नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है भक्ति बौछार में। आज हम जानेंगे माँ ज्वालामुखी मंदिर के रहस्यों के बारे में। माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को ज्योतावाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती की जीव गिरी थी। यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्माद भैरव के रूप में स्थित है। इस मंदिर का चमत्कार यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। आज तक इसका कोई रहस्य नहीं जान पाया है कि आखिर यह ज्वाला यहाँ कैसे निकल रही है। कई भूवैज्ञानिकों ने कई किलोमीटर तक की खुदाई करने के बाद भी यह पता नहीं लगा सके कि यह प्राकृतिक गैस कहाँ से निकल रही है। साथ ही आज तक कोई भी इस ज्वाला को बुझा नहीं पाया है। आइए जानते हैं ज्वाला देवी मंदिर के रहस्य क्या है और इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताएं क्या क्या हैं। ज्वाला देवी मंदिर में बिना तेल और बाती के 9 ज्वालाएं जल रही हैं, जो माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक। मंदिर की सबसे बड़ी ज्वाला जो जल रही है वह ज्वाला माता है और अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में माँ अन्नपूर्णा, माँ विंध्यवासिनी, माँ चंडी देवी, माँ लक्ष्मी, माँ हिंगलाज माता देवी, माँ सरस्वती, माँ अंबिका देवी और माँ अंजी देवी है। माँ ज्वाला देवी के मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमि चंद ने करवाया था। इसके बाद 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और राजा सांसर चंद ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान मंदिर की ज्वाला जानने के लिए जमीन के नीचे दबी ऊर्जा का पता लगाने के लिए काफी कोशिश की गई थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आजादी के बाद भी कई भूवैज्ञानिक भी तंबू गाड़कर बैठ ज्वाला की जड़ तक पता लगाने के लिए बैठ गए थे, लेकिन उनको भी कोई जानकारी नहीं मिली। यह बातें सिद्ध करती है कि यह चमत्कारिक ज्वाला है। मंदिर से निकलती ज्वाला का रहस्य आज भी बना हुआ है। ज्वाला देवी की ज्वाला से संबंधित एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार भक्त गोरखनाथ माँ ज्वाला देवी के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। एक बार भूख लगने पर गोरखनाथ ने माँ से कहा कि माँ आप अब पानी गर्म करके रखें, तब तक मैं भिक्षा मांग कर आता हूँ। जब गोरखनाथ भिक्षा लेने गए तो वापस लौट कर नहीं आए। मान्यता है कि यह वही ज्वाला है जो माँ ने जलाई थी और कुछ ही दूर पर बने कुंड के पानी से भी भाप निकलती प्रतीत होती है। इस कुंड को गोरखनाथ की डिब्बी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कलयुग के अंत में गोरखनाथ मंदिर वापस लौट कर आएंगे और तब तक ज्वाला जलती रहेगी। बादशाह अकबर ने मंदिर की ज्वाला के बारे में सुना तो उसने अपनी सेना बुलाकर इस ज्वाला को बुझाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी मंदिर की ज्वाला को नहीं बुझा पाया। फिर उसने नहर तक की खुदाई करवाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। नहर मंदिर की बाई और देखने को मिल जाएगी। बाद में वह माँ के इस चमत्कार को देखकर नतमस्तक हो गया और सवा मान के सोने का छत्र चढ़ाने पहुंचा, लेकिन माता ने उसे स्वीकार नहीं किया और वह गिरकर किसी अन्य धातु में बदल गया। यह धातु कौन सा है इसका आज तक किसी को पता नहीं चला। ज्वाला माता के मंदिर को लेकर ध्यानु भगत की कहानी भी प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार ध्यानु भगत ने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए अपनी शीश माता को चढ़ा दिए थे। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से या मन्नत मांगता है या फिर माता से कुछ मांगता है, उसकी मुरादें माँ हमेशा पूरी करती हैं। तो ये थे माँ ज्वालामुखी से जुड़े कुछ जो रहस्य। ऐसी भक्ति की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।